सभी को प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हो आप सब? आज मीडिया के लिए, जिसे अक्सर लोग गोदी मीडिया के नाम से जाने जाते हैं, मैं नहीं कहता ये सभी, और क्या क्यों कहते हैं, क्योंकि हम सबको पता है मीडिया काम है सच दिखाना, लेकिन आज जो चल रहा है मीडिया पर वो दुखदायी है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज ये संदेश, ये वाणी आपकी है और आप बोल रहे हो वो पूरा होगा, मैं विश्वास करता हूँ। आपने मुझसे कहा ये बोल दे, क्योंकि आपने जो वचन दिया है पिता, आज जो भी मीडिया कर्मी सुनेंगे पिता, जहाँ तक वो संदेश जाए उनके जीवन में कार्य होगा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं हमेशा से परमेश्वर की आवाज़ सुनकर ही आता हूँ। परमेश्वर मुझसे कहा जा, चेतावनी दे, बोल दे। मीडिया कर्मियों का काम होता है सच्चाई को प्रकट करना, झूठ को सच, सच को झूठ बनाना नहीं होता। आज हम जानते हैं कि मीडिया वाले मसीह विरोधी को दिखाते, यानी कि मसीह विरोधी का काम कर रहे हैं, क्रिश्चियनिटी के खिलाफ सब कुछ दिखाते, झूठ दिखाते, सच नहीं। अगर हाँ क्रिश्चियन में कोई गलत है तो दिखाओ, कोई टेंशन नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर के साथ पक्षपात नहीं करता। ये नहीं वो क्रिश्चियन है वो गलत करेगा पर माफ करेगा, वो सबको माफ करता है तो सबको सजा देने वाला भी है। हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, सच्चा न्यायाधीश वही है। हालेलुया, और वो ये चाहता है कि जैसे मैं सच्चा न्याय करता हूं, वैसे तुम भी जो काम दिया उसे सच्चाई से करो। मीडिया का रिपोर्ट होती है सच को दिखाना, ये नहीं कि एक को बढ़ावा देना और दूसरे को गिरा देना, इसलिए उनको गोदिया मीडिया कहा जाता है, और ये हकीकत भी है। आज प्रभु के दासों में सताव होता है, चर्च तोड़ जाते हैं, ये कहीं नहीं दिखाया जाता, झूठ दिखाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ झूठ। क्या वो धर्म पत्र कर रहे हैं, वो इतने पैसों के लिए कर रहे हैं, और जबकि आज तक कोई ऐसा सबूत आया ही नहीं। ये हम सब जानते हैं, अभी बीते दिनों में अपोस्टल की वहां पे रेड पड़े है ना, और विजेंद्र पाशा को दिखाया गया, सब कुछ बड़ा चढ़ा के दिखाया गया, मतलब हर एक चीज में। मैं कई बार वीडियो डाल चुका हूँ वाली कि ये अंधविश्वास फैलाते हैं, ये वह भाई परख कर देगी हुआ कैसा भला, एक बार आओ तो सही, बैठो सही, प्रार्थना रिसीव तो करो। और सबको पता है क्रिश्चियनिटी कितना ऊपर है, क्रिश्चियनिटी कितना हद तक परमेश्वर क्रिश्चियनिटी को कितना हद तक इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया, सब जानते हैं कि इसमें क्रिश्चियनिटी पूरी तरह से फैली हुई है, क्रिश्चियनिटी नहीं बल्कि परमेश्वर का पैगाम, लेकिन सच दिखाना जरूरी है। और इसी लिए परमेश्वर ने मुझसे कहा ये वचन दे जो आत्मा में मुझे दिया। आइए प्रार्थना करनी वचन के लिए। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन संदेश एक चेतावनी है, एक पैगाम है आपकी ओर से, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजो, यूट्यूब का जो मीडिया है अधिकतर फेक न्यूज आती है, हम सब जानते हैं। देखिए क्रिश्चियन भाई बहन जो वीडियो डालते हैं, मैं भी डालता हूँ, ताकि एक सच फैले। जो मसीह भाई बहन वीडियो डालते हैं वो कहीं हद तक राइट होता है, क्योंकि वो रियल दिखाते, लेकिन जो बड़ी मीडिया है वहाँ बहुत कम अब सच दिखाया जाता है, खासकर क्रिश्चियनिटी को लेकर। एक ही पहलू चल रहा है, एक ही पहलू चल रहा है बस, और हम सब जानते हो कौन सा पहलू है, वही सच है, वही सच है, और वही सच है उनके लिए। वचन कहता है नीति वचन 17 उसका 15 अध्याय, 15 वचन, नीति वचन 17 अध्याय का 15 वचन लिखा है, जो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी ठहराता है उन दोनों से यहोवा घृणा करता है। फिर से पढ़ूंगा, जो निर्दोषी को निर्दोष, अरे ये बिल्कुल राइट है, आप ही गलत हो, बल्कि प्रभु पता है, हम सब जानते कौन राइट कौन रोंगे। जो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी ठहराता है, कोई गलत को सही कह रहा है, सही को गलत कह रहा है, उन दोनों से क्या होता है, यहोवा घृणा करता है। जिससे परमेश्वर घृणा कर ले मेरे अजीज, उसका वजूद खतरे में है। आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, अगर मीडिया वाले सुन रहे हैं परमेश्वर का पैगाम, तो आने टाइम में आप देखोगे मीडिया वालों को भी संकट आया आने वाला है, उन पर भी परमेश्वर अपना हाथ रखने वाला है। याद रखना, कुछ भी हो सकता है, वो संकट कैसा भी हो, परमेश्वर गवाह है, वो लेके आता है, ताड़ना देता है। क्यों? क्योंकि उनके लोगों को छू रहे, और परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे लोगों को मत छू, जो उनको छूता है वो मेरी आपकी पुतली को छूता है। हालेलुया, आज परमेश्वर ये वचन दिया है गोदी मीडिया के लिए, और प्रार्थना करेंगे परमेश्वर का मन बदले। हाँ, लेकिन जो ये झूठ फैला रहे हैं, लेकिन इसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद, ये अपना काम कर रहे हैं। लेकिन प्रभु यहाँ पे ये कह रहा है सच दिखाए, सच, वो क्रिश्चियनिटी की नहीं बात कर रहा प्रभु, हर जगह के लिए। आज बहुत सच दबाया जाता है, वन साइड ही दिखाया जाता है, चाहे क्रिश्चियनिटी और कोई भी हो, ए टू जेड, इनका काम है सच दिखाना, ना कि सच को छुपाना। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, जो वचन दिया है
ये फैलेगा, ये आपका वचन है। और जो काम आपने इनको दिया है, सच दिखाना, सिर्फ सच, पिता ये वो कर पाए, ताकि आपने भविष्यवाणी करवाई है कि आने टाइम में संकट आएगा और दुनिया देखेगी, लेकिन उससे पहले आपने मौका दिया कि संभालो, क्योंकि आपने कहा मैं घृणा करता हूँ लोगों से जो दोषी के निर्दोष निर्दोष को दोषी ठहराते, झूठी खबर देते, कानाफूसी करते। पिता आपने ये बोला है, और जब आप घृणा करते हो तो उसका वजूद खतरे में हो जाता है। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस वचन के द्वारा, आपने आंखें खोली, सबके धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। कट पैसे उच्चाय में से कि परमेश्वर जो कहा वो सत्य है। आप अपनी राय देना, आप क्या समझते हो इन मीडिया वालों के लिए। कट ब्लेस यू, जय मसीह।